आज की एनवायरमेंटल हेल्थ की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउसिंग के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। हाउसिंग या आवास क्या है? आवास उन सभी स्थानों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें लोगों का एक समूह निवास करता है और अपने जीवन के ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने की कोशिश करता है। आवास का आकार एक परिवार के जितने लिए भी हो सकता है स्मॉल, और बहुत बड़ा भी हो सकता है जहां काफी लाखों लोग वहां पर रहते हैं, तो सभी के सभी आवास की श्रेणी में आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हाउसिंग की? एक घर जो है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला है शेल्टर या शरण। घर एक आश्रय प्रदान करने वाला होना चाहिए। सामान्यतया एक घर हमें हार्श वेदर या कठोर मौसम और इवन जंगली जानवरों से बचाता है, प्रोटेक्शन का सेंस हमें देता है। इसके अलावा फैमिली लाइफ, जो पारिवारिक जीवन जीने के लिए एक उचित स्थान हमें प्रदान करता है, जैसे कि भोजन तैयार करना, उसका स्टोरेज और बच्चों का पालन पोषण आदि। इसके अलावा घर कम्युनिटी लाइफ को भी प्रमोट करता है। घर सामुदायिक सेवाओं, सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, स्कूल, खरीदारी क्षेत्रों या बाजार, पूजा स्थलों आदि तक पहुंच प्रदान करता है। सोशल इंटरेक्शन, परिवार व्यापक समुदाय का हिस्सा है और जो घर है वो समुदाय के में इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। यह मदद करता है और दोस्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, घर एक आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है, क्योंकि घर में एक परिवार का लगभग ये मान सकते हैं कि जीवन भर की पूंजी उसमें लगाई होती है, तो एक असेट का वो काम करता है, वो सेंस ऑफ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी वो प्रदान करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउसिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाउसिंग या हेल्दी हाउसिंग, या जो बुनियादी मापदंड है किसी आवास के लिए, जो प्रिंसिपल या वी कैन से जो प्रिंसिपल्स ऑफ हाउसिंग है वो क्या है, उसमें सबसे पहला है कि जो एक हेल्दी हाउस है वो हमें फिजिकली प्रोटेक्शन देता है, शारीरिक सुरक्षा देता है, आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा खाना पकाने, खाना खाने, कपड़े धोने और मलमूत्र आदि त्याग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है, प्राइवेसी प्रदान करता है। इसके अलावा एक जो हेल्पफुल हाउसिंग है वो हमें कम्युनिकेबल रोगों को प्रसार से रोकता है, उनसे हमें बचाता है। इसके लिए जो डिजाइन और जो निर्माण संबंधी और रखरखाव संबंधी जो भी एक्टिविटीज हैं वो हमें इस प्रकार की होती हैं कि वो हमें कम्युनिकेबल रोगों से बचाए। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण और जो नॉइज है उसके खतरों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह जो हानिकारक सामग्री के कारण, निर्माण में कोई अगर हानिकारक सामग्री है तो उससे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जो हेल्थफुल हाउसिंग है उसमें जो निर्माण सामग्री है वो हेल्दी होती है, सुरक्षित, उसमें कोई नुकीला एरिया या कोई फिसलन भरी जो फर्श है वो नहीं होता है, तो वो एक हेल्पफुल हाउसिंग होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास को भी एक हेल्पफुल हाउस जो है वो प्रभावित करता है, सामाजिक रिश्तों को बढ़ावा देता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। हम आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउसिंग, यानी ऐसे कौन कौन से स्टैंडर्ड है जो हमें हाउस बनाते समय या घर आवास बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्थान का चयन। नॉर्मली घर ऐसी जगह हो जहां आसपास के जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो, ताकि हैवी रेन के दौरान वहां पे बाढ़ ना आ जाए, ऐसा स्थल होना चाहिए। और उसकी पहुंच होनी चाहिए मेन रोड तक, और वहां तक जाने के लिए भी जो अप्रोच रोड है वो भी काफी चौड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा ये मक्खियों और मच्छरों के जो ब्रीडिंग प्लेस है उससे दूर होना चाहिए।
धुएं, धूल, गंध और अधिक शोर और इवन जो भारी यातायात है उससे भी दूर होना चाहिए। मन भावन परिवेश होना चाहिए, यानी एनवायरनमेंट जो आसपास का है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। प्रेफरेबली यदि ग्रीन बेल्ट है तो बहुत ही अच्छा है। सेटबैक, सेटबैक क्या होता है कि जो हमारा टोटल एरिया है जहां पर हम घर बना रहे हैं उसका जो बिल्डअप एरिया है उसके चारों तरफ खाली स्थान होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये लाइटिंग और वेंटिलेशन को प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सिफारिश की जाती है कि जो निर्मित क्षेत्र है या बिल्डअप एरिया है टोटल एरिया का वो एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में दो तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्लोर जो है, फर्श जो है वो इम्परमिएबल होना चाहिए, यानी कोई भी कीड़े मकोड़ों के उसमें छेद नहीं होने चाहिए और आसानी से वो धुलने वाला होना चाहिए जिसे उसे साफ सुथरा रखा जा सके, सूखा रखा जा सके। कीड़ों के प्रजनन को रोकने के लिए फर्श को चिकना होना चाहिए, दरारों से मुक्त होना चाहिए और नमी प्रूफ होना चाहिए। मॉइस्चराइजर उसमें नहीं बैठनी चाहिए। वॉल्स या दीवारें मजबूत होनी चाहिए, हीट को एब्जॉर्ब या कंडक्ट नहीं करना चाहिए ताकि गर्मी में वो ठंडे बने रहें और ठंड में पर्याप्त गर्मी प्रदान कर सके या ज्यादा ठंडे ना हो, ऐसा होना चाहिए दीवारों को। दीवारें मौसम प्रतिरोधी होनी चाहिए जैसे अभी मैंने कहा। इसके अलावा दीवारों में किसी प्रकार के छेद या दरारें नहीं होना चाहिए, नहीं तो चूहे और सांप उनमें अपना बिल बना सकते हैं। दीवारें चिकनी सपाट होनी चाहिए, उसमें प्लास्टर किया हुआ होना चाहिए और कलर्ड होनी चाहिए। रूफ, जो छत है, अगर मान लो एयर कंडीशन नहीं है तो छत की जो हाइट है वो कम से कम 10 फीट की होनी चाहिए और छत जो है वो हीट कंडक्टिविटी वाली नहीं होनी चाहिए। कमरे जो है वो कम से कम दो होने चाहिए एक घर में स्टैंडर्ड जो है, और एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसको लॉक किया जा सके एटलीस्ट सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा जो कमरों की संख्या है वो परिवार की आवश्यकता के अनुसार, फैमिली साइज के अनुसार बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार वो बढ़ाया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो फ्लोर स्पेस है वो अवेलेबल। फ्लोर स्पेस क्या है कि प्रति व्यक्ति कितना एरिया होना चाहिए वो फ्लोर स्पेस कहलाता है, और कमरे में रहने के लिए जो प्रति व्यक्ति फ्लोर स्पेस है वो एटलीस्ट 50 स्क्वायर फीट होना चाहिए। कोई भी कमरा बनाए उसका जो फ्लोर एरिया है वो अगर दो व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं तो एटलीस्ट 120 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, और यदि एक व्यक्ति है तो 100 वर्ग फुट कम से कम रूम का साइज होना चाहिए। विंडोज, प्रत्येक लिविंग रूम में कम से कम दो खिड़कियां होनी चाहिए जिसमें से एक खिड़की ओपन स्पेस में ओपन होती हो, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट या जो ओपन टू स्काई होना चाहिए। हाइट जो है विंडो की एटलीस्ट 3 फीट होनी चाहिए, 3 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। किचन, हर घर में एक अलग किचन होना चाहिए। रसोई को इस प्रकार से होनी चाहिए कि धूल या धुआं वहां पर नहीं पहुंच पाए, कम से कम रुके, पर्याप्त रूप से प्रकाश हो, भोजन, ईंधन और इनके भंडारण की व्यवस्था वहां पर हो, पानी की कंटिन्यूस सप्लाई हो, बर्तन धोने के लिए एक सिंक हो और उचित जल निकासी की व्यवस्था हो। अलग अदर फैसिलिटीज में हम देख सकते हैं कि घर में सैनिटरी लेटरिन होना चाहिए, वॉशिंग और बाथिंग एरिया होना चाहिए, रिफ्यूज का जो कचरे का संग्रह क्षेत्र होना चाहिए अलग, पेयजल सुविधा हो, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई हो, उचित प्रकाश व्यवस्था। अगर हम हाउसिंग और हेल्थ के बारे में देखेंगे तो जो हाउस है या घर है वो मनुष्य के कुल पर्यावरण का हिस्सा होता है, तो उसका भी मनुष्य की हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि खराब आवास होगा तो श्वसन संबंधी संक्रमण, त्वचा संबंधी संक्रमण, घरेलू दुर्घटनाएं आदि हो सकती है। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो मकान में तो भी बहुत सी बीमारियां जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डिफ्थीरियास, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आदि होने की संभावना रहती है। ज्यादातर जहां पुअर हाउसिंग या घटिया हाउसिंग होती है वहां मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी काफी हाई होती है। तो एक अच्छा हाउस बनाने के लिए आप इन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखेंगे तो एक हेल्थफुल हाउस बना पाएंगे।
ऐसी उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉग विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।